हेलो गाइस, सोचा आज संडे है, आराम से उठेंगे, मूवीज देखेंगे और ऐसे ही संडे बिताएंगे। बट एक कॉल जिसने ये सब बदल दिया, जानना चाहेंगे क्या? तो आज का संडे रास्ते पे गुजरने वाला है। 45 डिग्री टेम्परेचर, इस गर्मी में संडे को निकलना किसको पसंद है। बट क्या करें, भाई के साथ तो जाना पड़ेगा। तो चलो, अभी घर पे कोई है नहीं जो मुझे ड्रॉप करे जहाँ से वो मुझे पिकअप करने वाला है, तो मैं अभी निकल चुका हूँ। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और हाँ, मुझे आज ऑटो लेना पड़ेगा। ये तो एक पीछे ऑटो दिख रही है, तो आज मुझे ऑटो लेना पड़ेगा, देखते हैं। और ये मैंने शेव भी तो नहीं किया है, कैसी लग रही है शेव? करनी चाहिए थी या ना, कमेंट में बताओ। ओके चलो, तो अभी निकले, ऑटो पकड़ते हैं, यहाँ से चलेंगे गोता चौकड़ी, गोता चौकड़ी से यहाँ से वैष्णो देवी, फिर वैष्णो देवी मेरा भाई आएगा जो हमें पिकअप कर लेगा, और वहाँ से हम बड़ौदा की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो चलिए, आगे बताता हूँ मैं आपको कैसे हम जाएंगे। ओके, दोपहर के 2 बज चुके हैं। गर्मी, अहमदाबाद की गर्मी, अभी 45 डिग्री टेम्परेचर है। कौन चाहेगा इस गर्मी में संडे के दिन भरी दोपहर में बाहर जाना। बट क्या करें, सरप्राइज, कुछ ट्रैवलिंग आ जाता है, हमें करना भी पड़ता है। तो थोड़ा और दूर है, हमें चलना पड़ेगा यहाँ पे 5 मिनट की देरी में। ओके चलो। ओके, तो हमने ऑटो पकड़ लिया, सीधा जाएंगे गोता चौकड़ी, मिलते हैं मैं आपको गोता चौकड़ी को। तो गाइज, हम पहुंच चुके हैं गोता चौकड़ी। अब यहाँ से हम वैष्णो देवी के लिए जाएंगे, वैष्णो देवी के लिए यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे दूसरी। तो अभी गोता चौकड़ी पहुंच चुके हैं, मैं आपको बता दूँ। तो ये है गोता चौकड़ी जहाँ पे अभी हम आए हैं, जहाँ से अभी अगले स्टॉप के लिए हम दूसरी और एक ऑटो पकड़ लेंगे। ये है यहाँ का बिल्कुल फेमस अंबिका दाल वड़ा सेंटर। ओके, वैष्णो देवी सर्कल हम पहुंच चुके हैं। भाई का फोन आया था, इज वेटिंग फॉर मी। तो चलो चलते हैं, अब कार में बैठना है हमें। हो गया, 2 बार हमने ऑटो पे बैठ लिया, अब कार में जाएंगे। ओके चलो। के तो कार आ चुकी है, वो रही कार, दिख रहा है भाई कुछ कर रहा है। आई थिंक वो विंडशील्ड पे पानी डाल रहा है। रास्ता क्रॉस कर ले। ये ब्रदर, सफाई चल रही है। ब्रदर कहाँ जा रहे हो? बड़ोदरा एक्सपो ऑन एक्सप्रेस हाईवे। बड़ोदा जा रहे हैं ना? यस। ओके, तो चलो गाइस, बैठते हैं अभी और निकलते हैं बड़ोदा की तरफ। चलो भाई। ओके भाई आ चुका है, चलो कार्डो लाइए और निकलते हैं। तो भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्यों संडे चेंज हो गया, एक फोन आया और फिर संडे चेंज हो गया। उसका रीजन है, हम जा रहे हैं बड़ोदा, मेरा छोटा भाई है, उसकी मिसेस है, उनकी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो उनको वहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड करनी है, तो हम उनको वहाँ पे ड्रॉप करेंगे और फिर से रिटर्न हो जाएंगे। यही रीजन है आज चलेंगे, और मैं आपको बताऊंगा हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है अहमदाबाद बड़ोदा हाईवे पे, और कैसे हमारा संडे जाता है। मैंने जैसे बताया कि आज रास्ते पे गुजरेगा संडे, तो देखते हैं कैसा रहता है संडे। तो गाइस, हमारी शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई है। ये देखो ट्रैफिक लग गया है, हमने गाड़ी घुमा ली है सर्विस रोड से और जा रहे हैं, कोई और रास्ता पकड़ेंगे जहाँ से हम जल्दी पहुँच सके, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक लगी हुई है पीछे, तो हम यहाँ से निकलेंगे। अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा, लेट्स सी। तो
चलो क्रॉस कर लेते हैं हाईवे को। हाईवे को क्रॉस करते हैं यार। भाई जरा ध्यान से ध्यान से। तो गाइस ट्रैफिक होने की वजह से हमने बाईपास रोड छोड़ दिया है और सिटी के अंदर से हम जा रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा पर ठीक है, हम इस रास्ते अभी आगे बढ़ेंगे बड़ौदा के लिए। देखते हैं अभी यहाँ पे कोई ट्रैफिक ना लगे, नहीं तो ये है सफ़र बहुत लंबा होने वाला है और व्लॉग भी वैसे ही लंबा होगा। ठीक है, सो गाइस ये है अहमदाबाद एयरपोर्ट वॉल, जिसके दूसरी साइड एयरपोर्ट है, रनवे है, तो हम बस उसके नज़दीक से अभी गुजर रहे हैं। तो गाइज आखिरकार हम अभी नरोड़ा आ चुके हैं ट्रैफिक से बचते बचाते हुए। तो अभी भरी दोपहर हो चुकी है, 3 बज चुके हैं अभी और ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो देखते हैं अभी बड़ौदा पहुंचने में हमें कितना टाइम लगता है यहाँ से एक्सप्रेस हाईवे से। तो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा, सो स्टे ट्यून। तो भाई अगर अहमदाबादी हो, याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ हम कहाँ पे हैं अभी। ओके, तो गाइज हम एक्सप्रेस हाईवे पे आ चुका है, अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे। चलो तो फास्ट टैग लेने का टाइम है, कर लेते हैं। तो भाई एक्सप्रेस हाईवे पे हम निकल चुके हैं अहमदाबाद के बाहर। That's the reason. तो गाइज हम ड्रॉप पॉइंट पे आ चुके हैं। देखना चाहते हो हमारा ड्रॉप पॉइंट कहाँ पे है? हाँ तो हम आ चुके हैं पारूल यूनिवर्सिटी। आपने कहीं ना कहीं इसकी ऐड देखी होगी टीवी पे, लोकल टीवी न्यूज़ चैनल पे, बहुत सारी जगह पे इनकी एड्स होती है। तो ये है पारूल यूनिवर्सिटी, ये है गेट, ये अपना भाई है। तो हम पारूल यूनिवर्सिटी आ चुके हैं गाइज। मत जाइए सर। अरे सीधा जवानों से टेरेस है, डी से लास्ट ठीक। ये भाई साहब बता रहे हमें कहाँ जाना है। मोड़ासा ना। ओके, हमें साबर काटे थे जाए हो। तो भाई हमें बताया गया है कि हमें जाना कहाँ पे एक्चुअली, क्योंकि ये पारूल यूनिवर्सिटी है बट इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट सेक्शंस है। सो हमें ये पता चलेगा कि जाना कहाँ है एक्चुअली और उन्होंने हमें रास्ता बताया। सो दिस इज पारूल यूनिवर्सिटी। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने ड्रॉपिंग पॉइंट पे। मैं आपको दिखाता हूँ हम कहाँ पे उनको ड्रॉप करने वाले हैं। ये है टेरेसा भवन डी, जहाँ पे हम उनको ड्रॉप करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी का माहौल, देखिए यहाँ पे पारूल यूनिवर्सिटी का माहौल और ये प्लेग्राउंड, अमेजिंग हाँ, ये प्लेग्राउंड है। अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर। चलो तो गाइज अब कॉलेज में आ चुके हैं तो थोड़ा बाइटिंग ले ले, कॉलेज की याद दिला दी इस कैंटीन ने। चलो थोड़ा बाइटिंग ले ले, बाइटिंग ही नाम है तो क्या मिलेगा भाई। तैयार है अभी भाई, हमने बहुत कंफ्यूजन करा क्या लेना है क्या लेना है और लास्ट में हमने लिया है पानी।
भाई पानी लेके हम खुद को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक सेव पूरी नहीं, वड़ा पाव कर देना। ओके, जब भी कंफ्यूजन हो ना पानी तो ले लो। तो भाई कैंटीन में इतना कंफ्यूजन करके रखा है, चाय मांगा तो बोला एक घंटे बाद मिलेगा, तो फिर आखिरकार हमने डिसाइड किया इसको लेना है। तो स्टिंग हमने अभी बाय किया है, ठीक है ट्राई करते हैं। 20 रुपये का है सिर्फ, 250 ml, देखते हैं क्या ये। ओके, ये देखो इनके मेनू में कितनी सारी चीज़ें लिखी है, वड़ा पाव, मैगी, लस्सी, फ्रेंच फ्राइज, चाट चस्का, शेक्स, हॉट रोल्स, स्टव बन, सैंडविच। और मेरे भाई को मिला क्या है देखो, यहाँ पे वड़ा पाव। तो वड़ा पाव लवर जल्दी से कमेंट करो, वड़ा पाव के लवर जितने भी है। गाइज ये है बड़ौदा सिटी और हम जा रहे हैं बाईपास से, तो अंदर से कुछ दिखा नहीं पाऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, बाहर से तो आपको नज़र मिल जाएगा इसका। हम बाईपास से जा रहे हैं इसलिए शॉट नहीं ले पाऊंगा। सो दिस इज बड़ौदा सिटी। तो गाइस मैं आपको एक माहौल दिखाना चाहता हूँ, देखना है माहौल, ये देखो कितनी बड़ी क्यू है, कैसा लगा ये देखो, पीछे लाइन ही लाइन है, कैसा लगा भाइयों? तो मैंने सोचा बाहर निकल के आपको बता दूँ एक बार, क्या आपने भी कभी ये फेस किया है? देखो यहाँ से देखो, अभी ओके चलो आगे मिलते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे ये टैगिंग हो रही है, कार्स की सारी टैगिंग्स यहाँ पे चल रही है, और यहाँ पे ये देखो लंबी लाइन कतार है, हमारी तो गाड़ी दिख भी नहीं रही कहाँ पे। अगर एक्सप्रेस हाईवे से आप आ रहे हो जा रहे हो तो ये ध्यान रखो, जब भी पीक आवर्स है ना तो पीक आवर्स में आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज नहीं तो आपको ये सब ये कंजेशन जो है ये आपको फेस करना पड़ सकता है। पिछले 15 मिनट से मैं वेट कर रहा हूँ, अभी तक मेरा भाई आया नहीं है। देखो ये कंजेशन में एक एक कार्स आ रही है बट अभी तक वो दिख नहीं रहा कहाँ पे। तो भाई ये होता है पीक आवर्स में, आप अगर आ जाते हो ना तो टाइम तो लगेगा, तो अवॉइड करो जब भी कोई पीक आवर्स होता है ना। 2000 years. तो भाई आधा घंटा हमारा बिगड़ा यहाँ पे, और मेरा भाई अभी आया है। भाई ओए चलो तो अभी निकलते हैं। ओके लेट्स गो टू गो अहमदाबाद। भाई से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसा रहा लाइन में एक्सपीरियंस अपना, कैसा रहा? So, see, oh, wonderful, which one?
इंडिया। ओ भाई ओ भाई ओ, ड्राइविंग कर तू, ड्राइविंग मरवाई गई है। ड्राइविंग ध्यान कर भाई, गाड़ी जा रही है मेरे भाई, मरवाएगा। नाचो नाचो, साइन आउट। तो गाइस हम अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और अहमदाबाद ने हमारा स्वागत बारिश से किया है। बारिश फुल हो रही है गाइस, आप देख सकते हो, ये देखो ब्रदर, मजा आ रहा है बारिश में ड्राइविंग करने का। नर्वस आ गया भाई बारिश में ड्राइविंग करने में। ये देखो अभी हम रिटर्न आ चुके हैं और बहुत सारी बारिश हुई है यहाँ पे, तो जल्दी से घर पहुँच रहे हैं हम। भाई कैसा रहा आज, मज़ा आया? एक्सेलेंट भाई, इतनी बारिश में ड्राइविंग करना एक देखा बहुत चैलेंज है भाई। हमारे गाड़ी का तो वाइपर ही खराब था, एक बार तो डर गए थे हम, गाड़ी चलाए ना चलाए खराब वाइपर में गाड़ी चला रहे, ठीक है। गाइस आपको वीडियो कैसी लगी? अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर और ख़ास करके कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी बुरी लगी जो भी हो कमेंट करके बताइए, तो मुझे पता चले आपको क्या पसंद आ रहा है। ओके चलो, साइन ऑफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।